अब आपको बांग्लादेश से सीधे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। 1971 की जंग और बांग्लादेश मुक्ति दिवस की कुछ तस्वीरें और म्यूरल लगे हैं। तोड़फोड़ हुई लेकिन इनको नुकसान नहीं पहुंचाया गया। बांग्लादेश के इतिहास में भी दरअसल एक ऐसा नक्शा है जिसमें दुनिया में एक भूगोल बदला था, और वो था 1971 में, जब ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान के कब्जे को ख़त्म करके बांग्लादेश का उदय हुआ था। और आवामी लीग दफ्तर में जब मैं आया हूँ, जहाँ तोड़फोड़ की तस्वीरें मुझे दिखाई दे रही हैं, यहाँ एक और तस्वीर भी दिखाई देती है जो ध्यान आकर्षित करती है, और वो है कि कैसे मुक्ति वाहिनी जो संघर्ष कर रही थी बांग्लादेश की आज़ादी का के लिए, शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर हैं, वो लड़ रहे थे। आप यदि पीछे देख पा रहे हैं, मुक्ति वाहिनी, ये इनकी रेप्लिका, क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी में इनका सबसे अहम योगदान है। लेकिन इसी तस्वीर के ठीक ऊपर आवामी लीग की जो इमारत है, जो हेडक्वार्टर है, इस पर मैं आगे जाता हूँ तो मुझे एक ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जहाँ चारों ओर इस समय आपको आगजनी और हिंसा दिखाई दे पड़ती है। उसमें आपको एक तस्वीर ऐसी दिखाई देगी जहाँ पर आपको बांग्लादेश का इतिहास दिखाई पड़ता, और वो है 1971 की ये तस्वीर, 16 दिसंबर, जब आपको जनरल आमिर नियाजी ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने सरेंडर कर दिया था, और उसी के बाद वो एक तारीख थी इतिहास में दुनिया के, जब बांग्लादेश का उदय हुआ। और इसीलिए शेख हसीना की जो पार्टी आवामी लीग, उसके हेडक्वार्टर में आपको आज भी ये तस्वीर दिखाई पड़ती है। पूरी इमारत में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, लेकिन इसके बीच बांग्लादेश का जो इतिहास है उसका एक गौरवशाली इतिहास है, और साथ ही उस इतिहास में काला अध्याय ईस्ट पाकिस्तान के तहत उस समय होने वाले यहाँ के लोगों पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना, वहाँ की सरकार के अत्याचार का, तो आज भी मुक्ति वाहिनी की तस्वीरें दिखाई देंगी जिन्होंने बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी। तो उसके ठीक ऊपर बांग्लादेश के उदय की वो तस्वीर भी दिखाई पड़ती है जब पाकिस्तान सरेंडर करने पर मजबूर हो गया था। लेकिन उस नए बांग्लादेश के बाद आज क्या हुआ है वो पूरी दुनिया देख रही है। चलिए आप सभी को हम अब सीधा ढाका लिए चलते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, चूंकि आपकी ढाका में मौजूदगी है तो अभी क्या हालात आप देख पा रहे हैं? तस्वीरें भी ज्यादातर दिखाते रहिएगा, और आज सेना के काफिले पर भी हमला हुआ है, तो हालात सामान्य इसे कैसे कहा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और गोपालगंज में चूंकि जब वहाँ पर सेना की कॉन्वॉय जा रही थी, 5 से ज़्यादा जो सैनिक हैं वो घायल हुए हैं। और आप समझिए कि ढाका शहर में तो फिर भी हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन जो बाहरी इलाके हैं, दूसरे जो ज़िले हैं, और ख़ासकर यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर, मसलन ढाका में आप देखेंगे तो आपको चहल पहल दिखाई देगी, जहाँ तहाँ लोग दिखाई देंगे। हालांकि ये जो डेंसिटी है, वॉल्यूम जो आप देख रहे हैं सड़कों पर, ये कम है। और अगर मैं आपको बताऊँ मैं इस समय कहाँ हूँ, मैं हूँ इस समय ढाका में पुलिस हेडक्वार्टर पर, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर की हिफाजत इस समय बांग्लादेश की सेना कर रही है। आर्मी सड़कों पर तैनात है और ये पुलिस हेडक्वार्टर की निगरानी कर रही है, यहाँ की सुरक्षा कर रही है। दरअसल जब प्रदर्शनकारी यहाँ से निकले तो हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पर आगे पत्थरबाजी हुई, कई जगहों पर शीशे तोड़े गए, वहाँ पर हिंसा हुई। और ये भी एक सच है कि ये शायद इकलौता इस समय ऐसा देश है जहाँ की पुलिस नदारद है, वो उन्हें अपनी जान का खतरा है कि प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी हुई थी तो जनता अब उसका बदला लेगी। अब आप सोचिए कि ये पुलिस हेडक्वार्टर है, अंदर आपको यहाँ पुलिसकर्मी नहीं दिखाई देंगे, इसकी हिफाजत कौन कर रहा है? इसकी हिफाजत यहाँ की सेना कर रही है, कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी कर रही है, अर्धसैनिक बल जो इनके हैं इक्का दुक्का लोग यहाँ पर आए हैं। तो आज आप ये भी समझिए कि डॉक्टर यूनुस की सरकार का औपचारिक रूप से पहला दिन है, आज वो कामकाज संभालने वाले हैं। और ऐसे में चिंता इस बात की थी कि जब तक कानून व्यवस्था बहाल करने की जो पहली एजेंसी है वो सड़क पर नहीं आती तो हालात कैसे ठीक होंगे? क्या सड़कों पर सेना, जिनकी जो जिम्मेदारी है वो बाहरी इलाकों की है? तो ऐसे में सवाल बड़ा खड़ा है कि बांग्लादेश का भविष्य आखिर कहाँ जा रहा है? बिल्कुल। और जो हिंदुओं पर अटैक हो रहा था, हमने देखा कि कई जगह पर वहां पर जो हिंदू हैं हजारों की संख्या में भी उतरे, विरोध प्रदर्शन करते रहे और सुरक्षा की मांग करते रहे, और लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक भी हमने देखा है इसका असर। तो अभी क्या हालात हैं? देखिए, हमलों की जो श्रृंखला एक चली लगभग 5 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक, फिलहाल बीते 48 घंटों में अब ऐसी घटनाएं नहीं हैं, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं
जहां पर जिस डेंसिटी में जिस इलाकों में हुए थे वहां लोग मंदिरों में या किसी कैंपों में जाकर के रहने लगे हैं। खुद बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार कह लें, इंटरिम गवर्नमेंट कह लें, सेना ने, उन्होंने भी 50 लगभग 150 रिलीफ कैंप बनाए हैं कि जो हिंसा के पीड़ित हैं वो उन कैंपों में जाकर के रह सकें। तो वहां लोग रह रहे हैं, हम कोशिश आज ये कर रहे हैं कि दरअसल ढाका से आगे उन इलाकों तक पहुंचे, लेकिन वहां सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा मसला है, क्योंकि अगर सेना के काफिले पर हमला हो सकता है तो ऐसे में असामाजिक तत्व किसी को भी अपना निशाना बना सकते हैं। तो डिस्प्लेस लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। अब कुछ इलाकों में हालांकि तस्वीरें जो सामने आ रही हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो रात भर उन इलाकों में, हिंदू जो इलाके हैं वहां पर जाते हैं, उनके घरों के बाहर जाते हैं और ये आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, आप सुरक्षित हैं, आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और वो मान रहे हैं कि हाँ, कुछ कट्टरपंथी ताकतें जिन्होंने इस पूरे आंदोलन का फायदा उठाया और यहाँ के हिंदू समाज को टारगेट किया, उनके मंदिरों को, उनकी संपत्तियों को, उनके ऊपर हमले किए, उन घटनाओं में रोक आई हो, लेकिन इस रोक के बाद जिस मैग्नीट्यूड पर था उसकी असली तस्वीर तब सामने होगी जब कोई जांच होगी। जांच तब होगी जब देश में कोई सरकार होगी, और सरकार जब होगी तब कोई व्यवस्था होगी। तो फिलहाल ये देश बिना किसी व्यवस्था के चल रहा है, और ऐसे में मैग्नीट्यूड कितना था अल्पसंख्यकों पे हुए इस हमले का, इस आंदोलन के दौरान, उसकी असली तस्वीर तब तक संभवतः सामने नहीं आ पाएगी। आशुतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।